वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। भाइयों और भाइयों की सभी बहनों और मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मीन्स एक तरह का डिक्शनरी है और वर्ड ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं, सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजिली अवेलेबल है प्ले स्टोर में। इसके बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके छोड़ छाड़ के जा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए और आगे का वीडियो देखने के लिए आप उस बेल आइकन को ऑल में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन की सभी जानकारी आपको मिलती रहे। वेल गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मोबाइल में। मोबाइल का सिस्टम में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा ऐप है जिसके थ्रू आप वर्ड ट्रांसलेट और सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी अनदर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी में हो या बंगाली में हो। तो उस ऐप का नाम मैं आपको दिखा दूं। उस ऐप का नाम है यू डिक्शनरी ऐप। ये एक काफ़ी उमदा ऐप है और काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग्स आप देख सकते हैं, 4.4 की रेटिंग्स है, अच्छी रिव्यूज़ भी है, और 50 मिलियन प्लस ये डाउनलोडेड है, इतने लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। चलिए इसे ओपन करके मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा वो ऐप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये एक काफ़ी अच्छा ऐप है। आप यहाँ पे जो हिंदी जहाँ लिखा वहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए, मैंने ऑफलाइन डिक्शनरी 3.5 MB डाउनलोड कर लिया है और ऑफलाइन सेंटेंस ट्रांसलेशन डाउनलोड है। आप दूसरे लैंग्वेज, अरेबिक, आसाम, बंगाली, ये बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ दिए हुए हैं, किसी भी लैंग्वेज में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन हो जाएगा और आप उस पर ट्रांसलेट करते हैं। पंजाबी भी है, बहुत है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, कंट्रोवर्शन है, कैमरा है, ग्रामर है। यहाँ वर्ड फ्रेश में जाइएगा तो यहाँ वर्ड है, वर्ड में आप कुछ भी लिखिएगा तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, और ये टी जैसे कि ट्रांसलेट हो गया है। इसके बारे में हिंदी में भी बता दिया है क्योंकि मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। आप किसी और लैंग्वेज में करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर कैमरा है। कैमरा मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी सेंटेंस को वर्ड आप खींचिएगा और बस इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये बस ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए कि मेरे स्क्रीन में ये ट्रांसलेट हो गया है काफ़ी अच्छी तरह से, और आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ वर्ड है, आप वर्ड को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड में जाइएगा तो यहाँ वर्ड के पास आप देखिएगा तो ये भी ट्रांसलेट हो गया है। ये काफ़ी अच्छा ऐप है। अच्छा, ये दोनों काम करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी, तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। ग्रामरली भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपना ग्रामर यहाँ से आप सुधार सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये है वो ऐप जिसके थ्रू आप इजीली स्टडी कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में, और ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है। इसमें वॉइस कमांड भी दिया हुआ है, आप वॉइस के थ्रू भी अपना यहाँ पर कमांड देके वर्ड या सेंटेंस को ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके छोड़ छाड़ के जा सकते हैं। और भी वीडियोस लेके आऊँगा आप सभी के लिए देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ। आगे की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। तो टेक केयर एंड बाय बाय।